एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मार्केट डिमांड क्या होता है एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट डिमांड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइप है हमारा डिमांड फॉर कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। डिमांड है हमारी कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल कंजप्शंस आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कंजप्शन के लिए होते हैं उनको बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। दिस इंक्लूड्स दोज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स सच एज अ फूड आइटम्स, क्लोथ और यूटेंसिल्स, मेडिसिन, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, एनिमल्स, एग, डॉग फूड्स एंड फ्रेश फूड ब्रीड्स, एग्जाम्पल ग्रेन्स एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूसर्स गुड्स रेफर्स टू वंस यूज बाय द प्रोडक्शंस ऑफ अदर गुड्स सच एज प्लांट एंड मशीन्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल, सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स तो वो होते हैं जो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब सीधा कंज्यूमर को मिलते हैं। जैसे हमने कपड़े खरीदे तो सीधा वो हम उनको कंज्यूम करते हैं, सीधा हमने वो पहन लिए, हमारे हमें उसके अंदर कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं जो हम हमारी कंजप्शन को पूरा करने के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करते हैं उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज डायरेक्ट और ऑटोनोमस। डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स इज ड्राइव्ड बट इज बेस्ड ऑन फॉर द आउटपुट। जो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो डायरेक्ट है, ऑटोनोमस है, डायरेक्टली हम उनको चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने चिप्स का पैकेट लेके आए तो हम आते हैं उसको कंज्यूम करेंगे, हमने वो उसको खा लिया, ऐसा नहीं हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे या उसकी पैकेजिंग दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं, तो हम सीधा उनको कंज्यूम करते हैं। बट प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिसके अंदर मतलब हमने चिप्स मैन्युफैक्चर कर लिए हैं बट उनकी पैकेजिंग नहीं हुई, उनको पैकेजिंग करेंगे मशीनरीज के थ्रू, तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। देन है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स ऑन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी विच वाइल डिमांड्स फॉर प्रोड्यूसर गुड्स डिपेंड्स ऑन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो डिपेंड होती है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर, बट हमारी जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसकी डिमांड डिपेंड होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सेकंड हमारी टाइप है डिमांड फॉर पीसेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। जब हमारी डिमांड हो पीसेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स के लिए, पीसेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं जिनको हम एक बार में ही कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम कोई खाने की चीज़ लेके हमने आते ही खा ली। फॉर एग्जाम्पल हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और हमने वो आते ही कंज्यूम कर लिया, वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। पीसेबल्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली वंस, जिनको हम एक ही बार मतलब उनको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार खाना खा लिया, एक बार हमने दूध पी लिया तो उसका हम दोबारा यूज़ थोड़ी ना कर सकते हैं, तो सिर्फ उनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे जो कपड़े होते हैं उनको हम जो कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनको हम दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट जो पीसेबल गुड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स द यूटिलिटी फ्रॉम विच अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनकी यूटिलिटी एक बार ही मतलब एक बार में उनको कंज्यूम कर लेते हैं, दोबारा हम उनको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ऑटोनोमस डिमांड एंड ड्राइव डिमांड। स्पेंटेनियस डिमांड फॉर गुड्स विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्ग्यू टू सेटिस्फाई सम वॉन्ट्स डायरेक्टली इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिमांड। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज ऑटोनोमस और डायरेक्ट। कुछ ऐसी मतलब हम ये नहीं थे जो हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते डायरेक्टली, उनको बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। और जो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स होती है वो डायरेक्ट ऑटोनोमस होती है, मतलब हमारी कंज्यूमर गुड्स मतलब हमारी जो चीज़ डिमांड को सेटिस्फाई करती है हमारे ऑटोनोमस गुड्स। इंडस्ट्री डिमांड्स एंड कंपनी डिमांड। मोस्ट गुड्स टूडे आर produced by more than one firms or company and so there is a difference between the demand facing on individual company or a firm and that facing an industry. इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड के अंदर क्या आएगा, जो हमारे मोस्ट जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाते हैं मोर देन वन फर्म ऑफ अ कंपनी, एक फर्म से ज़्यादा, सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड फेसिंग, तो हमारे जो डिफरेंस होता है डिमांड फेसिंग इंडिविजुअल की जो कंपनी की है और जो फर्म की डिमांड है उनके बीच में डिफरेंस होता है। मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड हमने कल की वीडियो के अंदर स्टडी किया था। देन हमारा है शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड रिप्रेजेंट्स एग्जिस्टिंग डिमांड विच
इज बेस्ड ऑन इमीडिएट रिएक्शंस टू प्राइस चेंज इन कम फ्लैक्चुएशंस एंड अदर एक्सप्लेन फ्रीज। शॉर्ट टर्म जो डिमांड होती है वो इमीडिएट रिएक्शन देती है। अगर आपका प्राइस चेंज होता है, इनकम के अंदर चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही चीज़ों के अंदर, तो वो इमीडिएट उस चीज़ के लिए इंडिकेट करेगी। लॉन्ग रन डिमांड ऑन द अदर हैंड इज दैट डिमांड विच इमर्ज आफ्टर द इन्फ्लेशन ऑफ प्राइस चेंज, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रमोशनल एफर्ट्स एंड अदर फैक्टर्स ओवर टाइम इज अलाउड टू एडजस्ट द मार्केट टू न्यू सिचुएशन। ये टाइम देती है। मतलब देखो, जैसे शॉर्ट रन में तो क्या होता है कि हम इमिडिएटली उस चीज़ के लिए रिएक्शन देते हैं कि हमें नहीं पसंद आया, बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि आप थोड़ा सा टाइम लेते हो, एकदम अपना डिसीजन नहीं देते हो। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रमोशनल को भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो आप उनके अंदर धीरे धीरे उसके अंदर उसके जो रिएक्ट है वो धीरे धीरे देते हो। इमिडिएट आप कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं देते हो। यहाँ पे हमारे डायग्राम ने शो किया है ये चीज़। ये है हमारी डिमांड वन, डिमांड टू, ये हमारी शॉर्ट रन डिमांड एंड ये हमारी लॉन्ग रन डिमांड। क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, जब हमारी जो शॉर्ट रन जो डिमांड होती है वो क्या करती है, वो धीरे धीरे अपना रिएक्शन नहीं देती, वो इमिडिएट रिएक्शन दे देती है। बट जो लॉन्ग रन है वो धीरे 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 अपना रिएक्शन देती है। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इज रियल लाइफ इन इज इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर, बट देर इज अ सेवरल कमोडिटीज द डिमांड फॉर विच इज रिलेटेड ब्रॉडली। टू टाइप्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन द डिमांड फॉर जस्ट कमोडिटी। जॉइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड के अंदर क्या है, जो डिमांड है हमारी मोस्ट ऑफ कमोडिटीज़ के लिए रियल लाइफ के अंदर वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, बट देर इज अ सेवरल कमोडिटीज़ द डिमांड ऑफ फॉर ईच रिलेटेड। बट बहुत ज़्यादा ऐसी कमोडिटीज़ है जो इंटर रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ, एंड ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप होती है हमारी डिमांड फॉर सच कमोडिटीज़। कमोडिटी है जॉइंट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वैन टू गुड्स आर डिमांडेड इन द कंजक्शंस विद वन अनदर एट द सेम टाइम द सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड्स दे आर सेड टू बी अ जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड के अंदर क्या है, जब दो गुड्स डिमांड किए जाए एक कंजक्शन वन अनदर के लिए सेम टाइम के ऊपर, तो वो सेटिस्फाई करेंगे एक सिंगल बॉन्ड्स को। मतलब अगर आप दो चीज़ों को एक बार में डिमांड करते हैं, दो लोग अलग अलग टू गुड्स को डिमांड करते हैं कंजक्शन के लिए, तो एक ही इंसान को वो सेटिस्फाई करेगा, सिंगल बॉन्ड्स को वो सेटिस्फाई करेगा एंड सेट टू जॉइंट ऑन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नेक्स्ट हमारा कंपोजिट डिमांड। अ कमोडिटी इज सेड टू बी अ कंपोजिट डिमांड व्हेन इट इज वांटेड फॉर सेवरल डिफरेंट यूजेस। स्टील्स इज नीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एक्सेट्रा। कंपोजिट डिमांड वो होती है जो अ कमोडिटी इज सेड टू बी अ कंपोजिट डिमांड व्हेन वॉन्टेड ऑफ सेवरल डिफरेंट यूजेज, जब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूजेस को चाह रहे हो। स्टील इज नीडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, बट वो उनकी अभी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं हुई है। कार है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे है एक्सेट्रा, वो होती है हमारी कंपोजिट डिमांड। टाइप है हमारा मार्केट डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट्स। डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज़ टू बी स्टडीड नॉट ओनली इन द टोटली बट ऑल्सो बी ब्रेकिंग इट ऑन इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स। जोग्राफिकल एरिया सब प्रोडक्ट्स यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट सेंसिटिव टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल साइज ऑफ द कस्टम्स प्रोडक्ट वेराइटीज। जो मार्केट सेगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर डिटरमाइन की जाती है। जैसे हमारे जोग्राफिकल एरिया होते हुए उनको, मतलब उनके अंदर डिवाइड किया जाता है। सब प्रोडक्ट्स हो गए एंड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट हो गए, सेंसिटिव टू प्राइस होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल होते हैं, साइज ऑफ कस्टम्स होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट परचेज बाय अ कंज्यूमर एट अ अल्टरनेटिव प्राइस। बहुत सी अलग अलग क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज किए हैं कंज्यूमर ने अलग अलग प्राइस के ऊपर, एंड इन प्राइस डिमांड द डिमांड फंक्शन इज बेस्ड ऑन द सिंगल वेरिएबल प्राइस। जो डिमांड है उसके अंदर जो डिमांड फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। इनकम डिमांड, इनकम डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ अल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ द चेंजिंग इनकम मनी इनकम। इनकम डिमांड जो होती है वो रेफर्स करती है क्या बहुत से क्वांटिटी कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की डिमांड की जाए कंज्यूमर के थ्रू अल्टरनेटिव लेवल्स के ऊपर। जब आपकी जो मनी है, मनी चेंज हो रही है, पैसा आपका, मतलब आपके कभी पैसे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उस टाइम के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी परचेज बाय द कंज्यूमर इन रिलेशन टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी विच मे आइदर्स बी सब्स्टिट्यूट ऑफ अ
और अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉस्ट डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होती है जो परचेज की जाती है कंज्यूमर के द्वारा इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस, आपका प्राइस चेंज हो रहा है उसके रिलेशन में, एंड रिलेटेड कमोडिटी जो आपकी रिलेटेड कमोडिटी है विच में आइदर बी सब्सटीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जो सब्सटीट्यूट हो सकती है आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।